बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक साबका आर्मी चीफ का किस्सा सुनाऊंगा, फिर आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हम कितने बदकिस्मत हैं। और ये भी बताते चलूँ कि वो साहब, वो उन्होंने एक्सटेंशन भी ली और 6 साल मौजें की। उसके बाद एक रिटायर्ड जनरल हमें कितने में पड़ता है, और ये अमाउंट बनती है 50 करोड़ से लेकर 1 अरब तक। जी, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक रिटायर्ड जनरल ने साइंस को फेल कर दिया है और अपनी थ्योरी मार्केट में दी है, उसका भी जिक्र करेंगे। और टूटे आला का स्क्रिप्ट ये आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो आपके लिए सबसे बड़ी और खुशी की खबर है वो है कि चर्स को अनकरीब कौमी नशा करार दिया जाएगा। ये क्या मामला है? ये कमेटी का इजलास हुआ तो वहाँ पे सलीम मांडवी वाला ने कहा कि पूरा मुल्क जो है वो चर्च पे लगा हुआ है। अब जवाब मुलाहजा करें, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने सलीम मांडवी वाला को या कमेटी को जवाब दिया कि हम सर इसको गेज कर रहे हैं कि इसमें नशा कितना है, इसमें कितना नशा होता है, और हम उसको गेज करके ये सोच रहे हैं कि इसको सिगरेट की तरह जायज करार दे दिया जाए चर्स को। और क्यों जायज करार दिया जाए? कि इससे $5 अरब सालाना इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। जी, अब आप इस जहनियत से या इस हुकूमत से वो किस खैर की जो है वो तवक्को रखेंगे? हालांकि आप जानते हैं कि ये इब्तिदा है हर नशों की, लेकिन $5 अरब उनको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं कि चर्स को अगर जो है वो हम जायज़ कर दें, लीगलाइज कर दें, और ज़ाहिर वज़ारत साइंस गेज करके कहेगी इसमें नशा है ही नहीं, ये मुज़िर है ही नहीं सेहत के लिए। क्यों? क्योंकि $5 अरब रेवेन्यू जो है वो हासिल करना है। तो बहरहाल आप तैयार रहें, अनकरीब आपको झूमने का और झामने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये कमेटी में कह दिया गया है कि $5 अरब इस पर जो है वो सालाना कमाए जा सकते हैं, और इसमें कोई नशा इतना है नहीं, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत थी उसने इस्तेमाल किया है लफ्ज कि इसको एंटरटेनमेंट के दर्जे में वो रख दिया जाए, चर्स को एंटरटेनमेंट में रख दिया जाए। तो आप नई एंटरटेनमेंट की तैयारी करें। उसके बाद क्या है जी, एक टूटे आला है, मुनाफिक आदम है, नाम है उसका अंसार अब्बासी, और ये सुबह सुबह सबसे पहले जो है वो दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्वीट करता है। उसके बाद सारा दिन ये टौटी करता है, सारा दिन जो है ये पिछवाड़े धोता है, और ये तर्जुमान बना हुआ है। हमारा इख्तलाब यही है कि फौज कहती है हम गैर सियासी हैं, तो ऐसे लोगों को पट्टे क्यों नहीं डाले जाते जो आपके तर्जुमान बने हुए हैं, जो यूनिफॉर्म में नहीं है और फिर भी तर्जुमान है? इनको शटअप कॉल दें कि आप कौन होते हैं हमारे बिहाव पे बातें करने वाले। ताज़ा तरीन जो स्टोरी जनाब ने की है वो ये कि 9 मई के हवाले से इमरान खान और फैज़ उम्मीद के जो राबते हैं वो एस्टेब्लिश हो गए हैं। ये इन्होंने जो पुराना और घिसा पिटा स्क्रिप्ट था फिर उसको निकाल लिया है। और ये भी जनाब ने फरमाया है कि जो काकड़ की काबीना थी, अब क्या पिदी का शोरबा, क्या काकड़, क्या उसकी काबीना, कि उसने मंजूरी दी थी उस काबीना ने कि इमरान खान के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं, और उस बिना पर इमरान खान का जो है वो फौजी ट्रायल या मिलिट्री ट्रायल किया जाए। इमरान खान ने इन लोगों का क्या कसूर किया है, इमरान खान ने इन लोगों की किस दुखती रग पे हाथ रखा है, वो तो एक ही समझ आती है कि 3.5 साल में एक हड्डी इनको और इनके मालकान को वो नहीं मिली। न कोई इश्तिहार मिला, न सरकारी इश्तिहार मिले, न अरबों रुपए कौम के इमरान खान ने इनको दिए जो अब दिए जा रहे हैं। ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इनकी मुनाफकत और इनकी टूटी। हालांकि आप यकीन करें, मैंने आपको एक दफा जनरल पिनोशे की कहानी सुनाई थी, जनरल पिनोशे की, और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट की कहानी आपको बताई थी। तो वो जिन चीजों पे इन्वेस्ट करता है ना अमेरिका, उसमें तीसरे नंबर पे मीडिया था, तीसरे नंबर पे,
कि वो मीडिया पे इन्वेस्ट करता है। तो आप देख लें इन 50 चैनलों में इस वक्त अवाम के साथ कौन खड़ा है कि वो अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाए, अपने लोगों की आज़ादियों के साथ खड़ा हो जाए, अपने लोगों के हकूक़ के लिए खड़ा हो जाए, चोरों के खिलाफ खड़ा हो जाए, लुटेरों के खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन माल आपको बार बार जो है वो अपनी फेवरेट जो आयत है वो सुनाता हूँ कि अलहाक का मुत्ता कासोरो हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, हत्ता कि इन्होंने कब्रें जा देखी। इस शख्स की दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन टौटी और मुनाफ़कत, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा सरमायाकारी होती है, इन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है इश्तियारों की माद में। तो जनाब ने फिर स्टोरी दी है दी न्यूज़ में कि जी काफ़ी मवाद पकड़ा गया है, फलां चीज़ पकड़ी गई है, और जो है ना वो बड़े इमरान खान के नीचे 50 बंदे थे, फिर उन 50 बंदों के नीचे 365 बंदे थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया। ये जनाब की जो है वो स्टोरी है, ये खुद इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ी हैं, ये खुद सीनियर तजिया नगार हैं, ये हर चीज़ खुद बन गए हैं। तो बहरहाल हमने तो कई दफ़ा कहा है कि आपको शौक़ है मिलिट्री ट्रायल का, पहले आपको शौक़ था गिरफ्तारी का वो आपने कर लिया, फिर आपको शौक़ था साइफर का वो आपने कर लिया, फिर आपको शौक़ था इद्दत का वो आपने, क्योंकि इद्दत आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि इद्दत क्या होती है, हाई जेंट्री में तो ये नहीं पता ना कि इद्दत और ये तो आप लोगों को पता ही नहीं है। बहरहाल वो आपने कर लिया, उसके बाद जो है ना आप तोशाखाना ले आए, ठीक है, आप जो सोफे जो तोहफे मारते हैं उनका कोई पता नहीं है, वो शौक़ भी आपने पूरा कर लिया, अब ये शौक़ भी पूरा कर लें, फैज़ उम्मीद के साथ भी लिंक कर दें। लेकिन मैंने बार बार अर्ज़ किया है कि फैज़ उम्मीद और बाजवा ने जो कंजर खाना मचाया सियासी तौर पे, नवाज शरीफ को किस तरह निकलवाया, पीडीएम किस तरह बनाई, अदम एतमाद किस तरह आई, इफ्तारियों पे डाइट स्प्राइट कैसे चली मौलाना फजल रहमान के लिए, वो सारी बतानी है। इसलिए इमरान कहता है कि जी वो ओपन ट्रायल हो ताकि सारा पता चले ना, फैज़ हमीद का भी पता चले, दोगले का और बाजवा का भी पता चले, ये शौक़ भी आप पूरा कर लें। उसके बाद एक रिटायर्ड जनरल की साइंस आपको बतानी है, ये मौसूफ सरबरा हैं, ये जो है वो पीटीए के, ये पीटीए के सरबरा हैं। आपको पता है पूरा मुल्क जर्नैलों की गिरफ्त में है, आज़ाद कश्मीर के जो सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन वो जनरल हैं, पंजाब सर्विस के जो हैं वो एक जनरल हैं, अब फेडरल की जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसके एक जनरल हैं, नादरा के एक जनरल हैं और पीटीए के भी एक जनरल हैं। ये बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है ना, तो ये एक केबल ख़राब हुई है समंदर में, हालांकि जब जनरल साहब नहीं थे तो एक दो दिन में ये मसला हल हो जाता था। अब कमेटी में जनरल साहब ने बताया है कि उसके लिए एक स्पेशल शिप होता है, ठीक है जी, वो शिप लाना पड़ता है, फिर उस शिप पे अमला होता है, फिर उस अमले की सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है और वो ये मामला हल करते हैं। जवाब में कहा गया कि अभी वो शिप सारे मसरूफ हैं, यानी कोई शिप जो है वो फारिग नहीं है, वो शिप फारिग होगा, फिर उन बंदों की जो है वो सिक्योरिटी क्लियर होगी और ये अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ये फॉल्ट ठीक कर लिया जाएगा। 25 लाख फ्रीलांसर उस वक्त तक बढ़ जाएंगे और आईटी इंडस्ट्री जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठ जाएगी, उसके बाद जो है वो हम कुछ करेंगे। ये साइंस लाए हैं जनरल साहब, मेजर जनरल हैं, और जो है वो कि जी हालांकि ये जब नहीं थे तो नेट में मसला आता था तो एक दिन और दो दिन में हल हो जाता था, लेकिन अब इनकी साइंस ये बता रही है कि वो शिप आएगा, उसके बंदों की सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, उसके बाद उनको इजाज़त दी जाएगी, वो फॉल्ट में हाथ डालेंगे, वो फॉल्ट ठीक करेंगे और उसके बाद ये अक्टूबर के पहले हफ्ते तक, यानी वो जो फ्रीलांसर इंतज़ार में बैठे हैं जिनकी रोज़ी रोटी चल रही थी, वो जनरल साहब की साइंस को दुआएं दें कि इनकी साइंस ये बताती है, क्योंकि ये हीरे हैं, ये नगीने हैं, ये किसी कौम का असासा हैं, यानी जिन कौमों में ये नहीं है ओदों पे ये रिटायर्ड जर्नैल, तो वो जो है ना वो अपनी मुकद्दर को पीटें, वो अपनी सीना को भी करें,
कि काश हम पाकिस्तान की तरह होते और ये नगीने हमारे पास होते, ये हीरे हमारे पास होते और एक फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए शिप आते, उस पर सिक्योरिटी क्लियरेंस होती टेक्नीशियंस की, फिर वो फॉल्ट ठीक करते तो हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर जाता। बहरहाल दूसरे मुल्कों ने सड़ना है तो सड़े, इंडिया सड़े, अमरीका सड़े हमारे साथ, यानी जेलस हो। हमारे पास ऐसे ऐसे नगीने हैं। अब जो एक रिटायर्ड जनरल होता है ना, वो जब घर जाता है तो 50 करोड़ से लेकर, ये स्टोरी है असद तूर साहब की, वो 1 अरब रुपए में पड़ता है। उसमें रकबे आ गए, उसमें बंगले आ गए, उसमें लाइफ टाइम सहूलतें आ गई, ये सारा कुछ लेने के बाद वो फौरी शिकार किस चीज़ का करते हैं, वो फौरी शिकार जो है ना वो करते हैं अगली अपॉइंटमेंट का, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है तकरीबन 2-3 माह से अहम तरीन चेयरमैन ये खाली है, लेकिन अब इसको नवंबर तक मजीद इंतजार करना पड़ेगा। वो इसलिए कि सत्ती साहब जो इस वक्त कोर कमांडर है मुल्तान के, उन्होंने नवंबर में रिटायर होना है, रिटायर उन्होंने नवंबर में होना है और जो है वो उन्होंने आके चेयरमैन बनना है, लिहाजा ये पोस्ट मजीद नवंबर तक खाली रहेगी। 3-4 महीने से पहले खाली है तो अब वो जनरल साहब आएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ सुबह उठता है ना तो वो अपने सामने लिस्ट निकालता है कि दुनिया पाकिस्तान में कोई ऐसा जनरल जिसको अभी नौकरी न मिली हो, जिसको अभी नई नौकरी न मिली हो। मैं हैरान हूँ इनकी पेंशनें, इनकी मराद, जितनी इनको ज़मीन मिलती है, जितना इनको पैसा मिलता है, कि खुदा के लिए इस कौम की जान छोड़ें, उस पर मेहनत करें, वहाँ से खाएं, पेंशन पे गुजारा करें, ये कौम आपको और कितना पाले, कब्र तक पाले, कब्रस्तान तक पाले। पहले इस कौम ने कैसे आपको पाला, कैसे आपको मुराद दी, आपने अपना काम किया, फिर रिटायर हुए, लेकिन फिर पूरे 25 करोड़ में आपको इस किस्म का कोई सिविलियन नहीं मिलेगा, कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा कि वो इन पोस्टों पे काम कर सके। मैंने बताया कि नवाज शरीफ का सिर्फ ये दुनिया का ऐसा चापलूस है, ऐसा चापलूस है, ऐसा खुशामदी है कि यकीन करें कि इसके नाम के सामने वजीर आजम लिखना, वो यानी लफ्ज वजीर आजम की तौहीन है, शहबाज शरीफ की तौहीन नहीं है। इन लोगों की इज्जत किधर है जो इनकी तौहीन हो। ये ऐसा चापलूस है, इसके साथ चापलूस लिखना लफ्ज चापलूस की बेइज्जती है। इसके साथ वजीर आजम लिखना, जो दुनिया के वजीर आजम है, वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरह या मोदी की तरह, ये उनकी बेइज्जती है कि ऐसे लोगों के साथ वजीर आजम लिखा जाए। ये सुबह उठता है, ये डेटा चेक करता है कि कौन सा जर्नैल कहाँ पे बेचारा बेरोजगार बैठा है, उसको फौरन रोजगार दिया जाए कि मैं जो है ना वो किसी तरीके से 3-4 महीने और निकाल जाऊं, 4-5 महीने और इस कौम से, इस कौम पे मुसल्लत रहूं, इस जो है ना वो हुकूमत से चिमटा रहूं, उसका सिर्फ यही काम है। तो आपको बताना ये था, ये जो साहबान है ये कहते हैं कि हमें कम अज कम, कम अज कम, मैं फिर दोहराता हूं कि अल्हाक का मुतकासुरो हत्ता जुरतुमुल मुकाबिर, कि इन्होंने मकाबिर, कि इन्होंने जो है ना कब्रें जा देखी, कब्रें, भावलपुर में रकबा ले लिया, पेंशन ले ली, ड्राइवर ले लिए, खानसा में ले लिए, हर चीज ले लिए, लेकिन फिर नहीं नौकरी, कि नहीं किसी कोई और क्यों आए, ये मुल्क बना किसके लिए था, ये सिविलियंस के लिए बना था, नहीं ये हमारे लिए बना था। तो बहरहाल जी, वो आपको बताना था कि ये कौम सारी उम्र पालती है, उसके बाद जब जाते हैं तो 50 करोड़ से 1 अरब, खाली यही फिक्स करा देना, उनको मंथली इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो जो है वो ऐश से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी और का हक मारना है, किसी सिविलियन को आने नहीं देना, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो हमारी मेन स्टोरी है वो आपको मैं सुनाऊंगा। एक आपको मैंने सुनाया जो है ना वो केबल वाला वाक्या कि आप जहानत और फतानत चेक करें, और दूसरा आपको एक वाक्या जो मेन स्टोरी है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जो इस फौज का 2 दफा चीफ रहा,
उसकी जो है ना वो स्टोरी भी आपको सुनानी है। तो बहरहाल ये हमें जो है ना जी इतने में पढ़ते हैं और इतना कुछ ले जाने, मैंने आपको बताया कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो जनरल सत्ती अब नवंबर में आएंगे, वो उसको हेड करेंगे। कश्मीर का जो कमीशन है उसके जो है ना वो जर्नैल हैं, पंजाब का जो कमीशन है उसके यानी रिटायर्ड जर्नैल उसके सरबराह जर्नैल हैं। सिंध में इनको घुसने नहीं देता कोई, जरदारी कोई क्या जरदारी, सिंध एक अलहदा हुकूमत है, सिंध एक अलहदा रियासत है, वहाँ किसी की कुछ नहीं चलती क्योंकि उनका अपना सिस्टम है अधी का और अधे का, उसमें कोई जो है ना वो इनको घुसने नहीं देता। ये इनका दिल हो भी सही तो उनका अपना, क्योंकि उन्होंने इंटीरियर सिंध के जो मैट्रिक पास हैं उनको एसी, उनको डीसी, उनको पुलिस में वो लगाना होता है तब उनका सिस्टम चलता है। सिंध में इनको घुसने कोई नहीं देता कि नहीं जी इधर ये सारे हैं। और इसके अलावा जो है ना वो बलोचिस्तान में ये जाते नहीं है। बलोचिस्तान में क्या है, बलोचिस्तान में मसला है, बलोचिस्तान में मसाइल हैं, बलोचिस्तान में बू है, बलोचिस्तान में रेवड़ हैं, बलोचिस्तान में वो लंबी लंबी शलवारों वाले हैं, उधर से क्या मिलना है। लिहाजा ये जो सोने की चिड़िया है, पंजाब हो गई, इस्लामाबाद हो गई सोने की चिड़िया, कश्मीर यहाँ पे ये चौकियाँ फतह हो चुकी हैं, यहाँ पर रिटायर्ड जर्नैल हैं और मैंने आपको पीटीए के जनरल साहब की बता दी। अब हम आते हैं अपनी मेन स्टोरी पे कि इस किस्म का आर्मी चीफ हो सकता है। ये वाक्य सुनाया है हुसैन हक्कानी ने, मैं तो खैर उसको अब कौमी गद्दार कहता हूँ कि बाजवा ने इसको काफ़ी पैसे दिए थे हुसैन हक्कानी को और इस गद्दार ने इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग की थी, इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाई थी और फिर ये सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। ये कौमी गद्दार भी जो है वो इसमें शामिल था और ये वो शख्स था जिसने जरदारी की तरफ से माइक मिलन को वो जो है ना मेमू लिखा था कि जी मुझे मेरी फौज से बचाओ। जरदारी ने हुसैन हक्कानी के जरिए माइक मिलन जो सरबराह थे अमरीकी अफवाज के उनको वो खत दिया था, लेकिन वो सारे गए, कोई मसला नहीं है। ये सारा कुछ होता रहा है, डॉन लीक्स होता रहा और ये सारा कुछ, इनके लिए इनके साथ गुनाह माफ है क्योंकि इन्हीं को मुसलत रखना है। आपको कल परसों भी वीडियो में बताया था कि जिधर नजर दौड़ाते हैं उधर तुम ही तुम हो, यही इनको नजर आते हैं। दो खानदान, हम खानदान हुक्मरान, यही इनको नजर आते हैं और ये ले आते हैं उनको। क्यों ले आते हैं, अब कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गई है कि क्यों ले आते हैं। जो धड़ाधड़ तकरियां हो रही हैं ना पोस्टों पे रिटायर्ड की, तो अब समझ भी आ गई है। अब एक नया चूरन भी ये जो है ना वो बेच रहे हैं ये जर्नैल, रिटायर्ड जर्नैल, और वो चूरन ये है कि पाकिस्तान का जो साहली इलाका है समंदर के अंदर उसमें इतनी जो है ना गैस और तेल के इतने ज़खायर निकल रहे हैं कि आप छोड़ दें, पाकिस्तान मरीख पहुंच जाएगा और पाकिस्तानी अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल वो पेट्रोल से धोया करेंगे, पानी से नहीं धोया करेंगे। पुलिस गन पॉइंट पे टैंकियां फिल कराया करेगी कि और डालो, क्योंकि 70 साल से ये जो चूरन है वो इमरान के दौर में भी बेचा था, वो भी इन्होंने बेचा था कि गैस निकल रही है, पेट्रोल निकल रहा है। फैसल वाडा कहता था जो आजकल इनकी गोद में बैठा है कि जी रेडी वाले को भी 1 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी, किधर गई वो गैस और किधर गया वो भी नहीं कहता जर्नैलों का। अब फिर शुरली छोड़ दी है कि जी सारी इलाके में ऐसा कुछ है जो हम निकालेंगे, तो ये चूरन बिक रहा है। एक डर बिक रहा है पाकिस्तान में डर, और एक ये चूरन बिक रहा है कि जी यान करीब पता नहीं जो है ना वो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। बात हम कर रहे थे हुसैन हक्कानी की। हुसैन हक्कानी ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज क्यानी ये अमरीका के दौरे पर आए, ठीक है जी, और इन्होंने वो नोट्स तैयार कर रखे थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात कैसे होने चाहिए और पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। हुसैन हक्कानी रावी हैं कि मुलाकात से चंद मिनट पहले यानी वो पेश करने से चंद मिनट पहले जनरल अशफाक परवेज क्यानी ने वो नोट्स मेरे साथ शेयर किए कि इन पर एक नज़र डालो। हुसैन हक्कानी कहते हैं कि जब मैंने उन पर नज़र डाली, जब उनको पढ़ लिया तो मेरे जहन में आया कि यार ये तो जो है ना वो मैंने कहीं पढ़े हैं, ये पहले भी मैंने देखे हैं। तो बाद में हुसैन हक्कानी इंकशाफ करते हैं कि 1960 में
जो फील्ड मार्शल अयूब खान नोट्स लेकर गए थे अमेरिका के तल्लुकात कैसे होने चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वही नोट्स थे अशफाक परवेज कियानी के पास 1960 वाले। ये है जहानत और फतानत। चर्स तो कौमी नशा करार पाएगा, झूम बराबर दम मारो दम, मिट जाए गम। ये 1960 के नोट चीफ के पास, ये फिर इन पे बात करो तो ये उठा लेते हैं, ये मारते हैं, ये उल्टा लटकाते हैं कि आप हम पे क्यों जो है ना वो बात कर रहे हैं। हमारी लियाकत, हमारी जहानत, हमारी फतानत आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये अभी 3-4 दिन पहले वो DGISPR साहब फरमा गए हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर कोई ताल्लुक नहीं है, आपके सामने नहीं है, ये क्या हो रहा है? ये वो इमरान खान और PTI का कल जलसा है वहाँ सिंगजानी में, तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो भरपूर शिरकत करें। इस जलसे की जो गैदरिंग है वो इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। हर जगह रुकावटें खड़ी हैं, हर जगह रुकावटें खड़ी हैं, और ऐसे ऐसे रूट दिए हैं कि पहले आपने जाना है उमरा करने, उमरा करने के बाद आपने जाना है करबला में ज्यारतें करने, और वहां से ज्यारतें करते हुए आपने संगजानी पहुंचना है। ये इस तरह के रूट दिए हैं। किसी को रूट दिया है कि आपने पहले शाम जाना है, शाम में ज्यारतें करनी है, वहां से पाक होना है, ज्यारतें करने के बाद आपने संगजानी पहुंचना है। किसी को रूट दिया है कि आपने पहले ईरान जाना है, ईरान में ज्यारतें करनी है, वहां से फिर आपने जो है ना वो संगजानी पहुंचना है। ये रूट दिए हैं किस तरह घुमा फिरा के। किसी को रूट दिया है कि आपने पहले जो है ना वो जाना है उधर इराक में, वहां पे बहुत ज्यादा जो है ना मुकद्दस ज़ियारात हैं, उधर से होने के बाद आपने जो है ना वो संगजानी पहुंचना है। ये हमारा सियासत से कोई लेना देना हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हम तो हमें गोल्फ खेलते हैं, अचानक वो धूप होती है, कहीं पे खारिश होती है, हम स्टिक से कहते हैं कि चलो जी इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ठीक है। बहरहाल जी, वो दो दफा का आर्मी चीफ, वो 1900 जो है ना वो इसके 60 के, वो इस तरह हम नहीं करते किताबें झाड़ के, 1960 के अयूब खान के नोट्स वो झाड़ पहुंच के वो लाया हुआ था, उसने पेश करने थे कि इस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तल्लुकात इस तरह चल सकते हैं। बहरहाल हम इनको कब तक पालें, फौजी फाउंडेशन इनका, सोना यूरिया इनका, CSDA इनके, जो है ना वो ऑयल एंड गैस इनकी, पता नहीं क्या क्या इनकी। अभी DHA में कहा जा रहा है 30,000 कनाल वो इस्लामाबाद में पेश की जाए, एक सोनी दी प्लेट रख के पेश की जाए कि वह दुनिया की भी और फौजें हैं। बहरहाल जी, ये आपके साथ जो है वो शेयर करना था। खबरें और भी हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलॉग में। और ये चीफ का नाम आपने याद रखना है जिन्होंने 1960 के नोट्स वहाँ पे शेयर किए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ ता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक ता फरमाए, रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमिन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।